क्रेजी फैंस के बीच ये मिनी बस लेकर आए हैप्पी न्यू ईयर के स्टार्स। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज़ है। फैंस के बीच अपनी फिल्म की म्यूजिक डीवीडीज बांटकर सबको किया इम्प्रेस। और फिर थिएटर के अंदर जाकर समोसे भी खाए शाहरुख और उनकी टीम ने। ये नज़ारा है ट्यूसडे की शाम को मुंबई के सिंगल स्क्रीन थिएटर गेटी गैलेक्सी के बाहर का, जहां हैप्पी न्यू ईयर की टीम माइनस दीपिका एंड अभिषेक आई थी फिल्म को मिल रहा ऑडियंस रिस्पांस देखने के लिए। और फैंस की ये भीड़ देखकर तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ग्रैंड रिस्पांस मिल रहा है इनकी फिल्म को। After 4 to 5 days of the film's release, जिसे confirm किया theatre के owner ने भी। मनोज देसाई उसकी life में 1,000 seat की capacity, 2 theatre और एक ही film लगा है, इतना तो बेवकूफ नहीं है। जब 40 साल से ये life में हो, तो film में कुछ होगा तो ही 2 theatre लगाए होंगे, तो आपके सामने। और इस बात को लेकर शाहरुख भी थे काफी खुश एंड ओवरवेल्म्ड। बड़ा शौक है मुझे कि लोगों के साथ आके देखूं, इस बार थोड़ी तबीयत खराब थी तो देख नहीं सका, आज थोड़ी बेहतर है। So I said we'll do one and weekday है, so it's a nicer day to come and see everyone. तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई इतने लोगों को जाते हुए देखा, आते हुए देखा। और ट्राई ये करते हैं कि जब हॉल में पिक्चर चल रही हो चुपचाप से देख लें, लेकिन वो देखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, फिर लोग अगर देख लें तो भाग जाते हैं, बहुत दबाव मिल जाता है। बट वेरी नाइस कि इतनी अच्छी पिक्चर लोग इतनी खुशी से देख रहे हैं, और लोगों की खुशी देखने में बड़ा अच्छा लगा। पिछली बार जब मैं चेन्नई के लिए आया था तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो मैं समझ गया हूँ कि लोग मेरा गर्दन घुट गई थी। बट अब मैंने डिसाइड किया है कि उसको अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ करें, तो हम एक रात पहले से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं कि हमसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ ना हो यार, बिकॉज भीड़ भाड़ में बच्चे होते हैं, सब होता है। सो वी ट्राई टू कंट्रोल इट। आई थिंक आज जो ऑर्गेनाइजेशन थी, और उस वक्त पे आते हैं जब शो की टाइमिंग ऐसी है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाए। अभी हम बाहर निकलेंगे तो तकलीफ होगी, लेकिन हम ध्यान से करेंगे। और फिल्म के कलेक्शन से ज़्यादा उन्होंने जनता के इस प्यार को भी सबसे इम्पोर्टेंट बता दिया। ये ना, ये बाहर से ऐसी बातें चलती हैं 250 करोड़ 300 करोड़, फिल्म का ये जो नंबर होता है ये खुद ऑडियंस की वजह से आता है। हम लोग जो बिज़नेस करते हैं उनको सिर्फ ये देखना ज़रूरी है कि फिल्म जो है वो अच्छी तरह से रिलीज़ हो, लोग उसको प्यार से देख रहे हैं, वो नंबर आते रहेंगे। ये एक होड़ सी लग गई है, हम लोग खुद भी, हमारे ऑफिस वाले लोग भी कभी कभार नंबर भेजना शुरू करते हैं। आई डोंट थिंक वो ठीक है। माशाल्लाह फिल्म जो है हमको फीलिंग आती है, और लोग देख रहे हैं, हॉल्स में है तो अच्छी चल रही है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन एम आई थिंक हर फिल्म मेकर का ये होता है कि फिल्म को दोबारा देख सकें। हमारी फिल्म लंबी है, फिर भी हमको लगता है कि लोग प्यार से उसको अगले हफ्ते इस हफ्ते दोबारा देखने को आए। एंड देन इट वाज टाइम टू रिकॉल सम ओल्ड मेमोरीज फ्रॉम द थिएटर। मेरे लिए बहुत इमोशनल है, क्योंकि बचपन में 90% फिल्में जो मैंने देखी है वो मैंने गेटी गैलेक्सी में देखी है, और आज जो मैं अपनी खुद की फिल्म के लिए आ रही हूँ, आई थिंक ये बहुत ही एक मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है। मैं इधर हमारा क्वारंटाइन देखने आया, कभी हाँ कभी ना देखने आया था। 3 बार मैं रिटर्न हुआ था पूरी फैमिली के साथ, आपको शायद पता नहीं लगा, 3 बार। और यहाँ पे जैसे आज पब्लिक सिटी, हमारे यहाँ तक सिटी की गूंज आ रही है, हम लोग ने भी यहाँ पे बहुत सिटी हमारी तालियाँ बजाए, आज हम लोग यहाँ पे बैठे, बहुत खुशी का दिन है आज मेरे। मैंने बहुत सारी फिल्म देखी है यहाँ पर, और बहुत बार टिकट नहीं मिली, वापस खड़े रहे हैं, और ब्लैक में भी टिकट खरीदी है मैंने। आई हैव टू से कि समोसे का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में था। और बस ये इंटरव्यू खत्म होते ही इन्होंने यहाँ समोसे खाने शुरू कर दिए। इनफैक्ट
फैक्ट, शाहरुख ने तो अपनी खांसी की परवाह किए बिना एक नहीं बल्कि दो दो समोसे खाए और बस इसके बाद ये सभी यहाँ से चलते बने, जहाँ एक बार फिर फैंस की भीड़ के बीच यहाँ से निकलने में इन्हें काफी टाइम लग गया। सुरुचि महातुरकर, कोरे, ZING, मुंबई। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले।